नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आई हूँ कि जिससे आपका जो पेट है वो कम होगा, जो आपका वेट है वो भी कम होगा। क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप डाइट चार्ट भी बताइए और थोड़ा सा पेट कम करने के लिए भी योगा बताइए, क्या करें जो कि आसान हो। तो मैं आज आसान जो योगा है, आसान जो व्यायाम या एक्सरसाइज है, वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सब्सक्राइब करें चीगो रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए काफी सब लोग खा पी रहे होंगे घर में बैठे बैठे, क्योंकि जब खाली बैठते हैं तो भूख भी ज्यादा लगती है, तो वेट भी बढ़ता है और पेट भी बढ़ता है। इसकी तरफ हमारा ध्यान जब जाता है, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। पहले इसका जो कंट्रोल है वो शुरू कर दें, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी इसको कम करने में। तो पहली बात तो ये है कि अलग अलग शरीर का अलग अलग हिसाब होता है, कि आप अपने शरीर को खुद ही देखना शुरू करें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है खाने में, क्या चीज़ सूट नहीं करती। जैसे किसी को दाल खराब कर जाती है, किसी को नहीं करती। और जैसे मुझे ही ले लो कि जब मैं चाय के साथ बिस्किट या रस खाने शुरू कर देती हूँ तो एक दो दिन तो मेरे साथ कुछ नहीं होता, लेकिन 3-4 दिन के बाद जो मेरा पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे पता है कि मुझे ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे मेरे फैट जो है वो बहुत जल्दी आता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें या कम खाएं। मैं ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल छोड़ दें खाना, क्योंकि फिर जब एकदम से खाएंगे तो फिर आपका जो वेट है फिर एकदम से वो पुट ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं मीठा भी खाती हूँ, मैं ब्रेड भी खाती हूँ, मैं बटर भी खाती हूँ, घी भी खाती हूँ, लेकिन एक लिमिट से। लेकिन कई बार हमारे शरीर का चक्र ऐसा होता है कि कभी कभी हमें भूख ज़्यादा लगती है, लगता है कि सारा दिन ये भी खाते रहें वो भी खाते रहें, तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर को ज़रूरत है। तो जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा खाया है या जब आपने बहुत हैवी खाया है, तो आप ये कोशिश करें कि उससे अगले दिन आप सुबह से लेके शाम तक या तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें या पानी ज़्यादा पिए या कम से कम खाएं, ताकि जो आपने एक दिन पहले खाया है वो बैलेंस हो जाए। तो थोड़ा सा डाइट चार्ट आपको मैं बता देती हूँ कि आपको एक तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स वाटर मैंने आपको बताया ही हुआ है कि खीरा, पुदीना, नींबू, अदरक और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा आप 1 लीटर पानी में डाल के रात को छोड़ें और सुबह उस पानी को पीते रहें, और पूरा दिन आपको वही पानी पीना है। जैसे ही गिलास पानी निकालेंगे और आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो पूरा दिन आप वो पानी पियेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाएगी। तो अगर आप वो भी नहीं पी रहे हैं तो आप नींबू शहद पी सकते हैं, या अगर नींबू शहद भी नहीं पीना तो आप खाली पेट 2 गिलास गर्म पानी जरूर पिए। गर्म पानी इतना पीना है जितना आपकी बॉडी सहन कर सके। फिर आपको जैसे रात को आपने खाना 7 बजे खाया है, तो आपको रात के 7 बजे से लेकर आपको 16 घंटे तक आपको अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको हल्का भोजन लेना है, जैसे आप पोहा ले सकते हो, उपमा ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, लेकिन आप रोटी जो है या पराठे है उसको अवॉइड करें। या अगर आपने नाश्ते में हैवी नाश्ता किया ही है, जैसे पराठे ब्रेड बटर खाया है, तो आपको दोपहर का खाना बिल्कुल कम करना होगा और जो रात का खाना है वो आपको छोड़ना होगा। क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ना मैं कोई योगा विशेषज्ञ हूँ जो मैंने कहीं से सीखा है, जो क्योंकि मैं योगा मैं 25-30 सालों से करती आ ही रही हूँ और मुझे मेरी बॉडी का पता है कि मुझे क्या खाना है मुझे क्या नहीं खाना। अगर मैंने हफ्ते में 3 से 4 दिन जैसे काफ़ी खाया है, हैवी खाया है, तो मैं उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर बैलेंस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। आज ज़्यादा खाया है, मान लो 3 दिन आपने ज़्यादा खाया है, तो अगले 2 दिन तक आप बिल्कुल हल्का खाएं, रात का खाना छोड़ दें। तो जितनी जल्दी आपका फैट बढ़ा हुआ होगा उतनी जल्दी ही वो फैट आपका कम हो जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप डाइटिंग करें, क्योंकि डाइटिंग करने से जो हमारे शरीर को है नुकसान पहुँचता है
और जो हमारी स्किन है वो भी लूज हो जाती है, रिंकल्स भी आ जाते हैं, डार्क सर्कल भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि डाइटिंग करने के नुकसान ही नुकसान है। कम खाएं स्वस्थ रहें, आयुर्वेद में भी यही कहा है, डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि कम खाएं स्वस्थ रहें। तो बस यही है कि आपको कम खाना है, स्वस्थ रहना है, अपने वजन को कंट्रोल करना है, मीठा कम से कम खाएं। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़े दिनों के लिए जो मीठा है छोड़ दें, तो आप सलाद खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और पानी आप जब भी पिएंगे तो ये नहीं है कि आपको पानी एकदम से मुँह पे लगाया और जल्दी से पानी को पी लिया। सबसे पहले तो आप पानी जब भी पिएंगे बैठ करके ही पिएंगे और पानी को एक एक घूंट घूंट करके पिएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में बोला ही गया है कि पानी को तो खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। यानी कि पानी को मुंह में चबा चबा कर पिएं और खाने को मुंह में चबा चबा कर पिएं। तो खाने को अच्छी तरह से चबाएं फिर ही खाना खाएं, तो आप देखेंगे कि आपका आधी रोटी में जो है वो पेट भर गया है। और जो सब्जियां हैं वो हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आजकल तो वैसे भी घी आ रही है, तो आप घिया, तोरी, टिंडे, इन सब की सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, यानी कि हरी सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो इससे जो है आपका जो वज़न है काफ़ी कंट्रोल होगा। रात का खाना आप या तो दिन ढलने से पहले खा लें, नहीं तो आप 7 बजे के बाद तो खाना बिल्कुल भी ना खाएं। तो अगर 7 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली वैसे ही कम हो जाएगा। तो चलिए आपको अब मैं बता देती हूँ कि आपको जो 2 आसन बताऊंगी और आपको 1 प्राणायाम बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। और अगर आप ये डाइट जो मैंने आपको बताई है इस तरीके से लेंगे और जो आसन मैं आपको बता रही हूँ वो आसन करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो वज़न है काफ़ी कंट्रोल हो गया। वज़न कंट्रोल नहीं भी होगा तो लेकिन आपको हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपको तसल्ली रहेगी कि हाँ मेरे अंदर फर्क पड़ना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आसन आपको बताऊंगी कि आपको आसन करना है पश्चिमोत्तान आसन, जो कि करना आसान ही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ उसका अभ्यास करेंगे तो उस आसन को आप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आसन करने के लिए थोड़ा सा वार्म अप करना होगा, ताकि जो आसन आप करेंगे उसके अंदर जो आपका शरीर है ढल जाए। और आप खुले कपड़े पहनेंगे और आपको एक मैट बिछाना है, मैट नहीं तो आप एक दरी बिछाएं। और खाना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है योगा करने के लिए। तो चलिए अब मैंने मैट बिछाया हुआ है, अब सबसे पहले हम बैठेंगे, टांगों को अपना पूरा सीधा करेंगे, कमर को रखेंगे सीधी और जो पहला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन करेंगे। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सांस को लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए हमें अपने पैरों को छूना है। और जब इस आसन में हम कुछ देर रुकेंगे तो जो हमें अपनी सांस है वो नॉर्मल रखनी है, लेते रहना है छोड़ते रहना है। तो जिस आसन में हमें थोड़ी देर रुकना होता है तो हमें जो अपने सांस है उसको नॉर्मल चलाना होता है, जैसे हम ले रहे होते हैं। तो फिर करके बताती हूँ, हाथ ऊपर रखेंगे, कमर को रखेंगे सीधा, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, फिर नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए हमें नीचे आना, फिर से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आएंगे। तो इस आसन को हमें 5 से 7 बार करना होगा। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इस पोजीशन में हमें कम से कम 20 सेकंड तक रुकना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका हाथ लग जाएगा, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जो आपका हाथ है वो लगने लग जाएगा। तो फिर से इसको एक बार करके दिखाती हूँ, पहले तो आपका हाथ ही लगेगा, धीरे धीरे करके जब आपको इस आसन की आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो पैर के पीछे से जोड़ लेंगे। तो ये तो था पश्चिमोत्तानासन। तो इस आसन को करने से आपको जो अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको कब्ज रहती है, तो इस आसन से आपकी वो प्रॉब्लम, वो समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। इस आसन को करने से आपका पेट भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा आसन बताती हूँ। तो फिर से आपको इसी पोजीशन में बैठना है। अब हम करेंगे चक्की चलासन। हाथ को ऐसे एक दूसरे के अंदर जोड़ेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे,
बिल्कुल सीधे हाथ रखने हैं, कोहनियाँ हमने मोड़नी नहीं है। सांस छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे जाएंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। बस ध्यान रखना है कि ना तो हमें अपने घुटने मोड़ने हैं और ना ही हमें अपनी कोहनियाँ मोड़नी है। तो हम इसे 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और फिर 10 बार हमें इसे करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था चक्की चालासन। ये भी करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट पर कितना फर्क पड़ता है। पेट पर करते वक्त काफ़ी जोर पड़ता है, तो आपको 10 बार क्लॉकवाइज करना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो आपको 3 बार इसी तरीके से करना है, 10-10 बार करके आपको समझो कि 30 बार करना है। फिर उसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम, वो दोनों आसन करने के बाद। तो जो कपालभाति करेंगे हम, उसको हमें 5 मिनट में 300 बार करना ही करना है, क्योंकि प्राणायाम करना ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए। क्योंकि तन तो हमारा शुद्ध होता ही होता है, हमारा मन की भी बहुत शुद्धि होती है प्राणायाम के करने से। तो प्राणायाम के करने से जो आपकी स्किन है उसमें ग्लो आ जाता है। अगर आपके फेस पे कोई दाग धब्बे कुछ भी हैं तो वो प्राणायाम से ही दूर होते हैं। तो प्राणायाम के बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर को। ये हमारे जो तनाव या एंग्जाइटी होती है उसको कम करते हैं, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं और जो हमारी पाचन क्रिया है उसको भी दुरुस्त रखते हैं। और ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी सुंदर बनाते हैं। तो प्राणायाम हमें ज़रूर करने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाए। तो आप चौकड़ी लगाकर बैठें, सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। और हाथ के अंगूठे और उंगली इस तरीके से रखने हैं, इसे ध्यान मुद्रा बोला जाता है। तो ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और नाक से सांस फेंकेंगे। रहता है तो आपको इसको बहुत धीरे धीरे करना है, यानी कि आपको जो सांस है वो प्रेशर से नहीं छोड़ना है। तो चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले पूरा सांस भरेंगे नाक से, छोड़ देंगे, फिर हमें इसे लगातार करना है। तो आपको ऐसे करना है जैसे कि आप नाक साफ करते हैं। आपको अपने पेट की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना और ना ही आपको इसे प्रेशर से करना है। अगर आप पेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे आपने पेट की तरफ ध्यान दिया और पेट को ज़्यादा अंदर प्रेस कर दिया, तो इससे आपकी जो कमर है उसमें दर्द हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सीधे बैठें और बिल्कुल सरलता से आपको ये प्राणायाम करना है। आपको 5 मिनट में 300 बार ये करना है, आप गिनते रहें। और फिर आपको जब ये प्राणायाम छोड़ेंगे तो आपको एकदम से ही अपनी आंखें नहीं खोलनी है। कुछ देर के लिए आंख बंद करके ऐसे बैठे रहना है। फिर उसके बाद आप अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, फिर अपने चेहरे पर लगाएंगे। ऐसा आपको 3 बार करना है। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम के करने के बाद जब आप देखेंगे कि आप प्राणायाम करके चुके हो तो आपको एकदम हल्का सा महसूस होगा और आपको एक अंदर से बहुत अच्छा सा फील होगा और बहुत अच्छी खुशी भी मिलेगी आपको। तो अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि मैं प्राणायाम करती आई हूँ, मेरे फेस पे भी पिगमेंटेशन हो गई थी, तो मुझे जो किसी चीज़ से भी आराम नहीं मिला। थोड़े बहुत मैंने घरेलू नुस्खे किए और मैंने प्राणायाम किया तो मुझे उससे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। तो आज मैंने आपको बताया कि जो थोड़ा सा जो
डाइट चार्ट बताया, हल्का फुल्का जो भी मैंने आपको बताया, एक हफ्ते का बताया, आप उसे फॉलो करें, हल्के से हल्का खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, और ये दो आसन और एक प्राणायाम आप जरूर करें। 5 मिनट आपको प्राणायाम करने ही करने हैं, या आप सुबह करें, सुबह करेंगे तो खाली पेट होता ही होता है पूरी रात का, लेकिन अगर शाम को भी करेंगे तो 5 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो 7 दिन के बाद आप बताना कि आप में क्या फ़र्क पड़ा, तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगी कि आपके किस किस के क्या क्या फ़र्क पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।